Thank you.
मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब आज मेरी फिल्म रिलीज हो रही है आफ्टर वैक्सीन वॉर, तो मतलब एक साल तो हो गया ऑलमोस्ट, तो मैं बहुत खुश हूँ. ऑफ कोर्स यार, लाइक दिस इज अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, सो खुशी की बात है, वी आर हैप्पी. मैं सिर्फ बोलूंगी प्लीज कम एंड वॉच आलिया बासु इन द हॉल्स, एंड बहुत ही एंटरटेनिंग एक थ्रिलर है. इट्स ओनली 1 hour 43 minutes. प्लीज कम एंड वॉच. या आलिया बासु गायब है और 9 तारीख को थिएटर में मिलेगी आपको, और सेम लाइक यू कम एंड वॉच दिस फिल्म. अभी कुछ नहीं बताएंगे, अभी सबको आना है. कैरेक्टर्स नाउ बिकॉज फिल्म इज ऑन रिलीज नाउ. या एक्सपीरियंस इज एक्सीलेंट, एंड आई गॉट प्रिविलेज टू वर्क विद सच एक्सपीरियंस एंड सीनियर एक्टर्स, एंड इट वॉज लर्निंग फॉर मी एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस. And Vinay Patel is coming now. He's coming. 9th, 10th, and he's in show now. Live show. He's on the way. He'll reach by. मैंने बहुत मिस किया, पर अभी इसके बाद आई हैव सम मोर रिलीजेस, तो अच्छा है कि मेरे लिए ये ईयर बहुत ही इट्स बीन ग्रेट फॉर मी. इसके बाद आई हैव 2-3 अदर रिलीजेस. या थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हम लोग यहाँ आलिया बसु को ढूंढने आए हैं, जो डॉक्टर सत्तार दीवान और सलीम दीवान मिलकर के आलिया बसु को गायब कर दिया उन्होंने, तो आज हम उनको ढूंढने आए हैं. मेरी तरफ से पूरी शुभकामना है, विश यू ऑल द बेस्ट टू डॉक्टर सत्तार दीवान, सलीम दीवान, जोनू राणा फॉर देयर लेटेस्ट वेंचर. आई विश यू ऑल द बेस्ट. निश्चित तौर पर विनेश फोगाट के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और ये अन्याय भारत के साथ भी हुआ है. 100 ग्राम कुछ नहीं होता, 100 ग्राम तो मेरे ख्याल से उसके बाल काट देते तो कम हो जाता. तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन है रेसलिंग का, उसकी तरफ से कोई षड्यंत्र तो नहीं है, मुझे नहीं मालूम. लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है आज के फैसले से, और विनेश फोगट आज फाइनल में नहीं खेल पाई, इसका हम सबको बहुत दुख है. थैंक यू. तो राइमा को और दीवान जी को, जो प्रोड्यूसर हैं, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और बाकी फिल्म देखने के बाद ज़्यादा बोल सकेंगे. थैंक यू सो मच. मैं यहाँ पर खास अपने छोटे भाई सलीम दीवान के लिए आया हूँ. उसने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है, और इस बेहतरीन फिल्म मैं तो देखूंगा ही, और मैं हिंदुस्तान की आवाम से कहूंगा कि आप लोग सब जाइए कल थिएटर में और जाके आलिया बासु देखिए, जिसमें आपको हमारे उभरते हुए छोटे भाई सलीम दीवान साहब नजर आएंगे, और आप लोग इनके देखकर, इनका परफॉर्मेंस देखकर दीवाने नहीं हो गए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा. सबसे बड़ा क्रिटिक मेरे दोस्त हैं, जो कि उनको फिल्म कैसी लगी ये जानना बहुत जरूरी है. तो आज का जो स्क्रीनिंग है सब मेरे क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, सो आई एम नर्वस एंड आई एम हैप्पी, सो लाइक डिफरेंट इमोशंस ऑल टुगेदर. जैसे मैंने बोला कि दिस इज नॉट नॉर्मल थ्रिलर, दिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. लाइक इसमें ऐसा नहीं है कि दो लड़कों ने किसी लड़की को किडनैप किया और रैनसम की बात कर रहे हैं, ये इतना सा ट्रेलर में दिखाया गया है. बट ये फिल्म कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, टर्न्स है, बहुत सारा सस्पेंस है, और वो धीरे धीरे खुलेगा. सो 1 hour 43 minutes की फिल्म है, और इतना सारा सस्पेंस है कि आपको बहुत मजा आने वाला है. नहीं, प्रोडक्शन से मेरा कोई खास लेना देना नहीं है, बट जहाँ तक बात है कि काम करने की एक्ट्रेस के साथ, वो मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा कि मैं इतने दिग्गज कलाकारों के साथ मैंने काम किया, और मेरे लिए एक सबसे बड़ी लर्निंग है. थैंक यू वेरी मच.
मैंने इसका ट्रेलर देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, मैंने भी फिल्में देखी हुई है, बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि पब्लिक को ऐसा कंटेंट चाहिए था और वो कंटेंट मिला हुआ है, तो पब्लिक को अच्छा लगेगा ऐसा। जी बेसिकली मैं नेटफ्लिक्स का एक सीरीज कर रहा हूँ फॉर और राज ओनली करके, बेसिकली ये 80s की कहानी है, नेटफ्लिक्स पे आएगी, इसमें प्रतीक गांधी और हुमा कुरैशी बड़े बड़े स्टार कास्ट है, तो बहुत जल्दी आने वाली है, अपकमिंग है, तो जैसे आएगा हम आपको जल्दी अपडेट देंगे। ठीक है, वेलकम। ये फिल्म आई होप सो कि बहुत ही ज़्यादा हिट जाए, एंड मैंने इसका ट्रेलर भी देखा एंड इट वॉज सो बॉम्बास्टिक एंड आई होप ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट विशेज टू द एक्टर्स ऑफ दिस फिल्म एंड आई होप इट गिव्स अ बिग हिट। थैंक यू। बेस्ट फॉर द टीम। जैसे ये टीपॉय पे इतने सारे माइक है, बस उतनी ऑडियंस आ जाए थिएटर में भी, बहुत सारे माइक्स है यहाँ पे। एंड टाइटल में गायब है, लेकिन हम दुआ करते विश करते कि ऑडियंस भर भर के आए, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत अच्छा कुछ सुना है, और आज देख के हम लोग डबल दुआ करेंगे कि फिल्म बहुत बहुत सक्सेस मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बस हाउसफुल मैं लिख रहा हूँ, वेलकम लिख रहा हूँ, डेविड धवन की नेक्स्ट फिल्म लिख रहा हूँ, हेरा फेरी डायरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में हैं, बस आपकी दुआ चाहिए। कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, नेक्स्ट ईयर काफ़ी कुछ चीज़ें आ रही है, तो बस आपकी दुआ रहनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं कहना चाहूँगा कि आलिया बासु गायब है, ढूंढ लो उसको कहीं जाके फटाफट, मेरे ख्याल से अभी मिलेगी थोड़ी देर में अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम, डायरेक्टर, ऑल द एक्टर्स, स्पॉट बॉय, एवरीबडी हु हैव वर्कड इन दिस फिल्म, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि एक फिल्म का सिनेमा पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। एंड नाउ मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, मैं अभी लाइफ के प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, और कोई अच्छा प्रोजेक्ट अभी मुझे किसी ने ऑफर किया नहीं है, तो मैं वेट कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं, कोई पहचानता भी नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, माय नेम इज अभिषेक दीवान, थैंक यू वेरी मच। दीवान साहब, और इसके सारे गीत लिखे हैं डॉक्टर सागर सर ने, जो बेहद ही खूबसूरत है और सबको देखना चाहिए, बहुत ही शानदार और फैंटास्टिक फिल्म है। थैंक यू सो मच। I'm very excited to see this movie, and Dr. Sagar has written the lyrics for this movie, so that is why I am even more excited. And Salim Diwan, he's a really dear friend and an amazing actor, and the cast is amazing, Raima Sen and Vinay Pathak sir, and I just wish all the very best to the movie, and I just hope you all watch it. Thank you. कि ये दूसरी फिल्म है जिसके लिए मैंने गाना लिखा है, मैं डॉक्टर सागर, इस फिल्म का मैंने गाना लिखा है, और इससे पहले मैंने सलीम दीवान की फिल्म बॉलीवुड डायरीज़ के गाने लिखे थे, जिस गाने को ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए, इस गाने के लिए बीबीसी ने और ललन टॉप ने मुझे टॉप 10 लिरिसिस्ट में मेरा नाम शामिल किया था। ये दूसरा मौका है जब मैं सलीम दीवान के लिए, रायमा सेन के लिए और विनय पाठक के लिए, इस फिल्म के लिए मैंने रैप सॉन्ग लिखा है, इसका म्यूजिक दिया है मनन मुंजाल ने, और इसकी इस गीत के लिए, इस रैप को आवाज़ दी है नेहा करोड़े ने। बहुत शुक्रिया आप सब। आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है और बहुत ही प्यारा ट्रेलर है, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छा रहेगा, और कॉन्ग्रेचुलेशन की ये फिल्म के लिए सलीम दीवान और सबको टीम के, थैंक यू सो मच। और सलीम सर के साथ मैंने कुछ दिन पहले एक गज़ल किया था, और वो कोई मतलब बहुत अच्छा था, और आई थिंक अभी भी है, आप सब लोग देख सकते हैं, और इंतज़ार नाम है गज़ल का, और अभी फ़िलहाल तो उनका फिल्म आ रही है, तो अंदर एक्साइटेड, थैंक यू सो मच। सो एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट फिल्म, आई एम लिटिल नर्वस बट आई एम एक्साइटेड ऑल्सो, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप आए हैं, आप हमारी इंडिपेंडेंट फिल्म को कैप्चर कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू। हाँ एक्चुअली फिल्म जो है थ्रिलर है, और फिल्म
जो है थ्रिलर है, एक सर्वाइवल स्टोरी है जहाँ पे एक लड़की का किडनैप होता है और उसके बाद पूरी फिल्म में तीन कैरेक्टर्स हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है कहानी में, एंड इवेंचुअली कौन जीतता है इसमें, कौन हारता है. That's why we have actually we are positioning our film as the most twisted film of the season. That is the reason. Trailer dekhi and I'm amused to see you know the characters that have been played. Aisi character like you know koi kare aisa, it's like very very nice to watch. Aur Raima like she's brilliant actress. और सलीम दीवान जी का भी बहुत अच्छा इन्होंने ट्रेलर पे एक्ट किया है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ दिस मूवी. सो गुड लक एंड आई नो इट विल डू ग्रेट. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ट्रेलर देखा मैंने और बहुत मेहनत लगी है. सो प्लीज सारे जाने जाओ और देखो मूवी को, बहुत प्यारी मूवी है. Really excited because title itself means ki bahut suspense juda hua hai. So I'm really looking forward and all the best to the whole cast and crew. सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त हैं सलीम, उनकी आज फिल्म रिलीज हो रही है. मैं बहुत खुश हूँ. जब भी आपके दोस्तों की फिल्म रिलीज होती है तो आपको बहुत मज़ा आता है. और ये फिल्म को मैं जानता हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. एक नया कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है ऑडियंस इसको पसंद करेगी, सलीम भाई के काम को पसंद करेगी. मेरी शुभकामना है सलीम के साथ में और आलिया बसु गायब है की टीम के साथ में. थैंक यू. आपको एक्साइटमेंट दिख रहा है चारों तरफ, हम तो हैं ही. बस यही कि बहुत शिद्दत से बनाई है और बहुत लगा है हमारे प्रोड्यूसर डॉक्टर दावत, इन्होंने एकदम शुरू से हमारी मदद की, और हमारे सबसे बड़े प्रोड्यूसर डॉक्टर सत्तार दीवान जो हमारे साथ एकदम खंभे की तरह खड़े रहे. और आप आज देखेंगे क्या हुआ उसका. एब्सोल्युटली. और आप देखेंगे आपको पता चलेगा एक टाइट थ्रिलर है एंड हम लोग बस सोच रहे हैं कि ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी. एंड सिनेमा जगत ने भी कल टिकट्स एकदम 99 रुपीस के कर दिए हैं, मतलब फ्राइडे को. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी कम्स एंड एन्जॉयज. ऑलराइट, थैंक यू. तू गायब का टीमर है, आप सभी का स्वागत है. उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सपोर्ट करेंगे. ये मेरी सेकेंड फिल्म है और एक थ्रिलर है. मैं चाहता हूँ आप लोग सब सपोर्ट करें. थैंक यू सो मच. यस सर. फिल्म के अंदर विनय पाठक हैं, राइमा सेन है, सलीम दीवान है और कमाल का काम किया सर उन्होंने. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा. आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ. कमला फिल्म्स एलएलपी की ये फर्स्ट डेब्यू मूवी है. इस मूवी के लिए विशेष रूप से आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ. और आप सभी को निवेदन करता हूँ, जरूर आप इस मूवी को देखें. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. वी आर एब्सोल्युटली एक्साइटेड. एज आई सेड यू, दिस इज कमला फिल्म्स विच इज माई कंपनी. दिस इज द डेब्यू मूवी. दिस इज द फर्स्ट मूवी वी आर रिलीजिंग डे आफ्टर टुमारो. आई मस्ट से थैंक्स टू सिनेपोलिस एंड थैंक यू सो मच.